वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश सब्जेक्ट। बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगी इंग्लिश सब्जेक्ट में, आपकी कर्सिव राइटिंग वाली बुक में। तो एवरीबॉडी टेक योर कर्सिव राइटिंग वाली बुक, ले लो सब। सबने ले ली कर्सिव राइटिंग वाली बुक? ओके, उस पे देखो पेज नंबर 60। ओपन किया सबने? उस पे देखो, क्लास वर्क का पेज है। पोजीशन, किसकी पोजीशन कहाँ पे है उसके बारे में हमें बताया है। तो फर्स्ट पिक देखो, टेबल पे ये बॉल है, तो बॉल कहाँ पे है? ऊपर। तो इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? ऑन। बॉल कहाँ है? टेबल के ऊपर, तो ऑन द टेबल। तो जो कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ होती है तो उसको हम बोलेंगे ऑन। क्या बोलेंगे बच्चों? ऑन। यस, क्या बोलेंगे? ऑन। सेकंड पिक देखो, बॉक्स के अंदर बॉल है, अंडर, तो अंडर की तरफ है, तो उसको क्या बोलेंगे? इन। क्या बोलेंगे? इन, इन द बॉक्स। बॉक्स के अंदर है वो, कहाँ है? इन, इन द बॉक्स। कोई भी चीज अंडर की तरफ होती है तो क्या बोलेंगे? इन। अब ये क्या है? अबव। बॉक्स के ऊपर है तो उसको क्या बोलेंगे? अबव। क्या बोलेंगे? अबव। अब ये पिक में देखो, दो बॉक्स है तो उसके बीच में है तो उसको क्या बोलेंगे? बिटवीन। क्या बोलेंगे? बिटवीन। कोई भी चीज बीच में हो तो क्या बोलेंगे? बिटवीन। ओके, उसके नीचे देखो, अब ये बॉल देखो बॉक्स के पीछे है, कहाँ है? पीछे। तो कोई चीज पीछे होंगी तो हम क्या बोलेंगे? बिहाइंड। क्या बोलेंगे? बिहाइंड। अब ये सारे बॉल बॉक्स के आसपास है, चारों ओर है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? अराउंड। क्या यूज करेंगे? अराउंड। यस, बोलो क्या यूज करेंगे? अराउंड। अब नीचे की तरफ देखो, ये बॉक्स से थोड़ा दूर है, जो दूर होता है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? फार। क्या यूज करेंगे? यस, फार। कोई चीज दूर हो तो उसके लिए फार। अब ये बॉल देखो, टेबल के नीचे है, कहाँ है? नीचे। तो क्या यूज करेंगे? अंडर। क्या यूज करेंगे? अंडर। एक बार देख लो, और ऊपर तरफ हो तो ऑन, अंडर हो तो इन, ऊपर हो तो अबव, बीच में हो तो बिटवीन, पीछे हो तो बिहाइंड, चारों ओर आसपास हो तो अराउंड, और दूर हो तो फार, और नीचे की तरफ हो तो अंडर। ओके बच्चों, ये हमारा क्लास वर्क का पेज था, वो खत्म हो गया। 61 नंबर के पेज पे देखो, होमवर्क का पेज है, वो आपको घर पे कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।